everyone, once again welcome back to my channel. तो आज का वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो अगेन मीशो हॉल होने वाला है. एंड आज के मीशो हॉल में मैं ओनली वो आउटफिट शेयर करूंगी जिनके कोड आपने मुझे दिए थे. कुछ तो इंडो वेस्टर्न ड्रेस है, कुछ टॉप्स हैं, साड़ी है, मतलब और अनारकली सूट है, मतलब जो जो मुझे पसंद आ रहा था और जिनके कोड आपने मुझे दिए थे मैंने परचेज किए. एंड जिन्हें पता नहीं है मीशो क्या है या फिर जो मुझसे नए जुड़े हैं, तो मीशो एक रीसेलिंग ऐप है. यहाँ से आप घर बैठे पैसे कमाना स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी जीरो इन्वेस्टमेंट पे, एंड खुद के लिए भी शॉपिंग कर सकते हैं. दोनों तरीके से मीशो यूज आता है. मीशो पे लिंक्स नहीं होते हैं, कोड्स होते हैं. जितने भी आउटफिट शेयर कर रही हूँ सभी कोड्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से उन्हें बाय कर सकते हैं. और अगर अभी तक आपने मीशो डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कीजिए मेरे दिए हुए लिंक से, जिससे आपको अपने फर्स्ट ऑर्डर पे फ्लैट 30% or 40% का डिस्काउंट मिलेगा. और ऐसा तभी होगा तब आप मेरे लिंक से मीशो डाउनलोड करोगे. एंड गाइस, बहुत सारे लोग पूछेंगे जो मैंने पहना हुआ है ये कहाँ से परचेस किया है. तो ये है साड़ी ब्लाउज, एंड ये वाली जो ब्लाउज है ये मैंने एक इंस्टाग्राम स्टोर है वहां से परचेस की है. और ऑलरेडी मेरे चैनल पे इसका वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है, तो आप जाके चेकआउट कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. और ये वाली साड़ी मैंने परचेस की है गर्ली फैब से. मैं फुल क्लिप लगाने का साइड में ट्राई करूंगी या फिर इमेज लगाने का, इसकी भी ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियो है. डेफिनेटली आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं और लिंक सभी का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट आउटफिट जो मैंने अपनी बार मीशो से पिक किया है वो है दिस वन. बहुत ही सुंदर सा ये सूट लग रहा था मुझे. ये फुल फ्लेयर कुर्ता है, इसमें आपको कलर ऑप्शन काफ़ी सारे मीशो पे देखने को मिल जाएंगे. बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट लग रहा था तो मैंने इसमें वाइट कलर परचेज किया है. एंड लुक एट दिस प्राइस, कितना ब्यूटीफुल है. बहुत ही सुंदर है, एलिगेंट है, प्लस इसमें आपको मैटरे नेक मिल जाएगी. फुल लेंथ कुर्ता है. मैं साइड में इमेज प्राइस सब लगवा दूंगी. एंड यहाँ पे आपको इस तरीके की नेक मिल जाएगी, 3/4 इसमें स्लीव्स दी हुई है. एंड बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये फुलकारी काम किया गया है, फुलकारी वर्क बोलते हैं इसको, उसमें ऐसा मेंशन किया हुआ है. तो कुछ चिकनकारी टाइप में, प्लस इसमें है ना चिकनकारी, ओनली चिकनकारी टाइप में नहीं है, पूरे पे आपको सिक्वेंस देखने को मिल जाएंगे. देखो आप शाइन कर रहे होंगे बीच बीच में से, ये पूरे इन्होंने सिल्वर सीक्वेंस लगाए हुए हैं. बहुत जब आप इसको देखते हो गौर से तब वो सीक्वेंस दिखते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वाले जो सीक्वेंस होते हैं वो इसमें यूज किए हुए हैं. एंड फुल आपको इस तरीके का फ्लेयर कुर्ती देखने को मिलेगी. बहुत ही ज्यादा सुंदर है, एलिगेंट है. मुझे व्हाइट कलर इसलिए अच्छा लग रहा था क्योंकि आप इसे डिफरेंट दुपट्टे के साथ और मतलब कलरफुल दुपट्टा, पचरंगी दुपट्टे के साथ डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो. लुक काफी अच्छा आएगा. एंड पूरा डिजाइनर है, किसी भी पार्टी ओकेजन फंक्शन वेडिंग के लिए बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है. अगर आप चाहते हो कि ऐसी ड्रेस परचेज करना जो कि कभी भी आउट फैशन नहीं हो, तो डेफिनेटली इस वाले ड्रेस को बाय कर सकते हो. एलिगेंट होने के साथ साथ कभी भी आउट फैशन नहीं होगा, कभी भी कैसी भी पार्टी फंक्शन में आप इसे कैरी कर सकते हो. तो इस तरीके का आपको ये वाला कुर्ता मिल जाएगा. सेम बैक साइड आपको इस तरीके का मिलेगा. फिनिशिंग क्वालिटी आप देख सकते हो काफी अच्छी है. ये पूरा काम इन्होंने थ्रेड से किया है और जो फैब्रिक इन्होंने इसमें यूज किया है कॉटन फैब्रिक के ऊपर पूरा ये इन्होंने काम किया हुआ है. तो इस तरीके का आपको ये वाला कुर्ता मिल जाएगा. और इसमें जो मैंने साइज परचेज किया है वो है शायद मीडियम साइज मैंने परचेज किया है. आप एक बार अपने अकॉर्डिंग साइज चार्ट देख के परचेज करना. तो फर्स्ट वाला कुर्ता जो मैंने यहाँ से परचेज किया है वो है दिस वन. एंड अब जो नेक्स्ट मैंने मीशो से पिक किया है ये है आपकी रिक्वेस्ट पर, क्योंकि काफी सारे लोगों ने मुझे इस वाले आउटफिट के कोड सेंड किए थे. ये है धोती स्टाइल साड़ी टाइप में एंड क्रॉप टॉप. तो इस तरीके की पैकेजिंग आपको देखने को मिल जाएगी. इसमें ब्लैक कलर का है, अभी तक मुझे भी कल ही मिला था तो मैंने अभी तक इसे खोल के नहीं देखा है. सबसे बड़ी बात है फ्री साइज है. तो अगर आप ज़्यादा वीक है या फिर आपके बिल्कुल छोटे कपड़े आते हैं, मे भी ये फिटिंग नहीं हो, एक बार देखना पड़ेगा ऑल्टर कराने पे कि कितना हो सकता है कितना नहीं है. तो इस तरीके का आपको क्रॉप टॉप देखने को मिल जाएगा. इसमें टॉप है जैसा पिक्चर में बताया था एज इट इज वैसा ही है. अगर मैं फैब्रिक की बात करती हूँ तो कुछ कुछ ही सिल्क का सा फैब्रिक इन्होंने यूज किया है और पूरा आपको एक डिजिटल प्रिंट में मिल जाएगा. लुक एट दिस, इस तरीके का राउंड नेक है एंड फ्री साइज है. अगर आप एक्सेल डबल एक्सेल साइज में भी आराम से है तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, आराम से आ जाएगा. आपके अंदर की साइड इन्होंने लाइनिंग दी हुई है, आप ऑल्टर वगैरह करवा सकते हो. तो इसमें आपको क्रॉप टॉप इस तरीके का मिलेगा और बहुत ही सुंदर सी एक डिजाइनर ड्रेस है, अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड में भी है, तो डेफिनेटली परचेज कर सकते हो. तो ये इसका क्रॉप टॉप मिला है और साथ में इसके नीचे इस तरीके का, लुक एट दिस, स्ट्रेट पैंट मिलेगी आपको. यहाँ पे आप देख लो इन्होंने साइड में जिप दिया हुआ है यहाँ पे. और अगर मैं वेस्ट साइज की बात करती हूँ तो ये फ्री साइज में है, यानी कि एक्सेल डबल एक्सेल साइज में आराम से आ जाएगा.
एल साइज वालों को भी आ जाएगा, पर मेरे जैसे मीडियम स्मॉल साइज में थोड़ा लूज रहेगा, तो अगर मेरे अकॉर्डिंग ये ऑल्टर नहीं होगा, इसका जो ऊपर वाला क्रॉप टॉप है वो आप ऑल्टर करवा सकते हो, पर ये जो इसका बॉटम है ये ऑल्टर नहीं होगा। तो अगर आप स्मॉल और एम साइज में हो तो डेफिनेटली आप इसे परचेज मत करना, क्योंकि ये थोड़े बड़े साइज में है और ये आपके नहीं आएगा। और अगर आप करना चाहते हो तो आप एक बार करके देख लेना कि अगर आप इसे ऑल्टर करवा सको तो, काफी अच्छी ड्रेस है। एंड इस तरीके की आपको इसमें स्ट्रेट पैंट देखने को मिल जाएगी, जॉर्जेट की ब्लैक कलर की लाइनिंग अंदर दी हुई है, और अटैच यहाँ से ये वाला दुपट्टा जाएगा जो कि आप इस तरीके से शोल्डर पे ले सकते हो। लेंथ काफी अच्छी है दुपट्टे की, इस तरीके का आपको दुपट्टा मिल जाएगा जो कि फ्लोर लेंथ में पूरा दुपट्टा रहेगा। जॉर्जेट फैब्रिक है, पूरा ब्लैक कलर का मिलेगा, ये आपको अटैच ही देखने को मिल जाएगा यहाँ से। और फुल इमेज में साइड में लगवा दूंगी, क्लिप लगवा दूंगी किस तरीके से आप इसे पहनना है, पहनने के बाद कैसा लुक करेगा। तो इस तरीके का आपको ये वाली स्ट्रेट पैंट मिलेगी, एंड मे बी मेरे ये बहुत ज्यादा लूज रहने वाला है। तो ये था सेकंड आउटफिट जो मैंने इस बार पिक किया है, और ये फ्री साइज में है। तो नेक्स्ट मैंने परचेज किया वो है ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी साड़ी। लेकिन इसको दिखाने से पहले मुझे एक चीज याद आ गई, मेरे चैनल में चल रहा है गिव अवे, अगर आपने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है तो जल्दी से जाके पार्टिसिपेट कीजिए। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और रूल्स आपको सारे उस वीडियो में मिल जाएंगे, आप जाके वहां से फॉलो कर सकते हैं। तो कभी भी मैं गिव अवे के विनर अनाउंस कर सकती हूँ, तो डेफिनेटली पार्टिसिपेट कीजिए। तो ये वाली जो साड़ी है मैंने नेक्स्ट परचेज किया, और इसमें आपको कलर ऑप्शन बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन मैंने इसमें ब्लैक कलर परचेज किया क्योंकि मुझे ब्लैक ही सबसे ज्यादा सुंदर लग रहा था। अब मुझे पसंद ही ब्लैक आता है, वो बात अलग है। तो इस तरीके का आपको ये वाली साड़ी मिल जाएगी, बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में चल रही है ये वाली साड़ी आजकल। लुक एट दिस साड़ी, लुक एट दिस वन साड़ी, कितनी ब्यूटीफुल साड़ी है। सबसे पहले मैं आपको ब्लाउज बता देती हूँ, ब्लाउज इन्होंने बिल्कुल प्लेन रखा है क्योंकि साड़ी काफी अच्छी है, डिजाइनर साड़ी है, तो प्लेन ब्लाउज के साथ ही ये बहुत अच्छे से जाएगी। तो प्लेन ब्लाउज मिल जाएगा आपको 80 या 90 सेंटीमीटर का, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे स्टिच करवा सकते हैं, एक्सएल डबल एक्सएल साइज में भी आराम से आ जाएगा, ये आपको इसमें अटैच मिलेगा। अब यहाँ से स्टार्ट होती है साड़ी, इस तरीके की आपको पूरी गोल्डन प्रिंट की साड़ी देखने को मिल जाएगी। पूरे पे आपको इसका फैब्रिक इतना सॉफ्ट है ना, मतलब मैं बता नहीं सकती कौन सा फैब्रिक है, लाइक सिल्क टाइप में ही कोई फैब्रिक है, इतना सॉफ्ट है, इतना शाइनी है कि बिल्कुल लाइट वेट भी है, बिल्कुल आपको हैवी नहीं लगेगी। पहनने के बाद इसका लुक काफी ब्यूटीफुल आएगा, एंड काफी सुंदर साड़ी है। इन प्राइस के अकॉर्डिंग तो बहुत ही ज्यादा वर्थ इट है, क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। तो इस तरीके की आपको इसमें नीचे लेस देखने को मिल जाएगी, एंड पूरे पे गोल्डन प्रिंट किया हुआ है। लुक एट दिस प्रिंट, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना। तो पूरी 5.5 मीटर की आपको इस तरीके की साड़ी देखने को मिल जाएगी, कलर ऑप्शन आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। थोड़ी थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट भी लग रही है साड़ी को पहनने के बाद, इसका लुक काफी अच्छा आएगा, पूरी पार्टी वियर साड़ी है। तो ये थी जो नेक्स्ट साड़ी मैंने यहाँ से पिक की अब की बार, ये इन्होंने इसका आंचल दिया है, और आंचल पे आपको इस तरीके से थ्रेड वाले टैसल देखने को मिल जाएंगे। क्वालिटी बहुत अच्छी है, हाईली रिकमेंड कर रही हूँ, काफी ब्यूटीफुल साड़ी है, आपको लेने के बाद बहुत सुंदर लगेगी ये वाली साड़ी, एंड फैब्रिक भी बहुत ज्यादा अच्छा है, कंफर्टेबल है। तो इस तरीके की आपको बहुत ही सुंदर सी वाली साड़ी मिलेगी, और मुझे बहुत सुंदर लग रही है, तो मैंने ये वाली साड़ी पिक की है, आप डेफिनेटली परचेज करना, बहुत सुंदर साड़ी है। तो नेक्स्ट साड़ी मैंने मीशो से पिक की है वो है ये वाली कलरफुल सी साड़ी, मैंने ये समर्स के अकॉर्डिंग मतलब परचेज की है, समर्स आने वाली है, समर्स के अकॉर्डिंग कॉटन साड़ी भी चाहिए होती है। तो आप बोल रहे थे ना दी काफी टाइम से दी आप कॉटन साड़ी शेयर नहीं करते हो, कॉटन शेयर नहीं करते हो, तो मुझे ये वाली साड़ी इतनी अच्छी लग रही थी मीशो पर, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। समर्स के लिए बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है, लाइट वेट है, एंड पूरी आपको कलरफुल साड़ी देखने को मिल जाएगी इस तरीके की। तो मैंने सोचा पसंद आ रही है मुझे, एक बार मैं परचेज करके देखती हूँ कैसी निकलती है। तो बहुत ही अच्छी आपको कॉटन में साड़ी मिल जाएगी ये वाली, कलर ऑप्शन इसमें भी आपको काफी सारी देखने को मिल जाएंगी, आप अपने अकॉर्डिंग देख के चेकआउट करना। मुझे ये वाला कलर पसंद आ रहा था, एंड इसमें आपको इस तरीके का ब्लाउज देखने को मिल जाएगा, 80 या 90 सेंटीमीटर का ब्लाउज है जो इसमें आपको अटैच मिलेगा, जो कि आपके एक्सएल डबल एक्सएल साइज में आराम से आ जाएगा। फिर यहाँ से स्टार्ट होती है साड़ी, पूरी साड़ी में आपको इस तरीके का ये प्रिंट किया हुआ है, पूरी कॉटन की साड़ी है, पूरा ये प्रिंटेड साड़ी है, 5.5 मीटर की आपको साड़ी मिलेगी। कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कलर ऑप्शन काफी सारे हैं, और समर्स के अकॉर्डिंग काफी परफेक्ट है। अगर आप जॉब करते हैं, आपको डेली उसके अकॉर्डिंग चाहिए, और काफी एलिगेंट साड़ी है, तो उस अकॉर्डिंग मुझे काफी अच्छी लगी। प्लस प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा वर्थ इट है, इसका फैब्रिक बहुत ज्यादा अच्छा है, कॉटन फैब्रिक है, तो उस अकॉर्डिंग काफी अच्छी लगी। पूरी 5.5 मीटर की आपको इस तरीके की साड़ी मिल जाएगी। तो नेक्स्ट साड़ी थी जो मैंने ये आपकी डिमांड पे पिक की है कि कॉटन साड़ी आप शेयर नहीं करते हो, तो मुझे काफी पसंद आ रही थी, तो मैंने ये वाली
वाली साड़ी पिक की है और इसका कोड भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डेफिनेटली आप बाय कर सकते हो। तो अब जो लास्ट प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है इस तरीके का ये वाला टॉप। आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है ये और मीशो पे इतनी कम प्राइस में है, अब मुझे 300-330-350 के आसपास है, अराउंड कुछ ऐसा ही है। तो मुझे देखते इतना पसंद आ रहा था, इसमें कलर ऑप्शन काफ़ी सारे मिल जाएंगे। आपको पता होगा मैंने इस कलर की ड्रेस भी बाय की है, क्योंकि ये कलर है ना बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है आजकल। मैं सच बताऊँ मैंने ये कलर कभी पहना भी नहीं है, ट्राई भी नहीं किया है, तो अब की बार मैंने टॉप भी बाय किया है यहाँ से और ड्रेस भी परचेज की है। तो इस तरीके की आपको ऑफ शोल्डर टॉप मिल जाएगी, क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, पूरी नेट फैब्रिक में मिलेगी, यहाँ पे इन्होंने इलास्टिक दिया हुआ है, प्लस दो है ना ट्रांसपेरेंट इस तरीके की स्ट्रैप भी दी हुई है जो कि आप शोल्डर पे आपके आ जाएगी, वो दिखेगी नहीं, ट्रांसपेरेंट है। एंड ये आपके इसमें स्लीव्स के लिए दिया हुआ है, लॉन्ग स्लीव्स है, बेल स्लीव्स टाइप में, और पूरा यहाँ पे इस तरीके का इलास्टिक लगाया हुआ है, वेस्ट पे आप देख सकते हो अंदर की साइड लाइनिंग दी हुई है, क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसमें जो मैंने साइज परचेस किया है वो है स्मॉल, आप अपने अकॉर्डिंग साइज चार्ट देख के परचेस करना, बिल्कुल एजी टॉप क्या होता है बिल्कुल भी लूज नहीं होनी चाहिए, ऑलरेडी इसमें इलास्टिक है तो आराम से आ जाएगी। अगर मैं एम परचेस करती तो थोड़े टाइम बाद वो इलास्टिक थोड़ा लूज हो जाता है, फिर वो अच्छा नहीं लगता, वो थोड़ा लूज हो जाती है टॉप, ऑलरेडी ऑफ शोल्डर है इसलिए। तो स्मॉल साइजेस मैंने परचेस किया है, कलर ऑप्शन आप देख लेना, साइज देख लेना, क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो डेफिनेटली आप इस वाली टॉप को ट्राई कर सकते हो। बहुत ही कूल सी टॉप है, अगर आप वैकेशन पे जा रहे हो या फिर घूमने जा रहे हो, बाहर जा रहे हो, उस अकॉर्डिंग काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लगी, इन अफोर्डेबल प्राइस लगी, तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। तो गाइस ये थे कुछ आउटफिट जो की बार मैंने मीशो से पिक किए, आई होप आपको पसंद आए होंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ, चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, और अगर आपने अभी तक गिव अवे में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो जाके पार्टिसिपेट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।